नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा बात बंगाल की हो रही है। इसकी वजह भी है क्योंकि बंगाल जैसी चुनावी गर्मी और तनातनी कहीं और नहीं। बंगाल चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठिए भी एक मुद्दा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असम के मुद्दे क्या है, वहां क्या चल रहा है? जी न्यूज बांग्लादेश बॉर्डर पर असम के आखिरी गांव पहुंचा है। धुबरी के सत्रसाल गांव पहुंचकर जी मीडिया संवाददाता विशाल कालरा ने वोटर का मन टटोला है। आपको बता दें कि ये ग्राउंड रिपोर्ट उस ट्रायंगल से है जहां पर असम और बंगाल के बॉर्डर एक साथ बांग्लादेश से जुड़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा वो जिला जो भारत बांग्लादेश की सीमा पर मौजूद है, जहां की ज्यादातर आबादी खेती पर निर्भर है, फिर चाहे चावल की खेती हो या फिर जूट का उत्पादन। इस भूमि ने गुरु नानक, श्रीमंत शंकरदेव और स्वामी विवेकानंद की यात्राएं भी देखी हैं। ये पूर्व उत्तर भारत के असम राज्य का धुबरी जिला है। यहाँ की कुल आबादी 19 लाख से भी ज्यादा है, जिसमें से 10.45% आबादी शहरी है, जबकि आबादी का 89.55% हिस्सा गांवों में रहता है। और असम की 126 सीटों में से 5 विधानसभा क्षेत्र धुबरी जिले में आते हैं। असम के धुबरी जिले में बांग्लादेश से सटे हुए गांव सत्रसाल में इस वक्त हम मौजूद हैं। पिछले 5 साल में जो वादे बीजेपी ने किए थे वो कितने पूरे हुए, बॉर्डर इलाके में रहने वाले लोगों की जिंदगी में कितना परिवर्तन आया, और आज से 5 साल पहले जो मुद्दे थे, क्या मुद्दे अब भी चुनाव के वही हैं या फिर इन्हें लगता है कि विकास हुआ, इनके जीवन में परिवर्तन आया है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। 17 साल गांव के कुछ लोग मेरे साथ हैं, पंचायत भवन के सामने इस वक्त हम मौजूद हैं। ये क्या सोचते हैं, इनकी जिंदगी कैसे बदली और इस चुनाव में इनके लिए मुद्दा क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। देवन के लिए 10 साल है, यहाँ पे 4 मेंबर है पंचायत का। ये लोग जब आता है बाजार, 17 साल आता है, शाम 7 बजे के बाद बाजार नहीं आ सकता है। जब आएगा तो दिक्कत होगा, BSF वगैरह अटकाता है। रोड इधर ही एक इमरजेंसी रोड चाहिए, 5 साल पहले भी नहीं था, अगर भी नहीं था अभी भी नहीं बनाया। अच्छा, रोड नहीं है हमारा इधर, जितना लोग है अगर हॉस्पिटल आना चाहिए तो विदर से अंदर से आना पड़ेगा, और रोगी के पास 5 मिनट समय है तो रोड पे मर जाएगा। किसी के लिए सड़क पर चलने का खतरा है, तो कहीं धुबरी के युवाओं में गांव छोड़कर बाहर कमाई के लिए जाने का दुख भी है। सरकार से बस इतना ही विनती है, जो हमारे गांव में जो जवान लोग हैं, बच्चे लोग हैं और जो लड़के लोग जो है यहां से बाहर जाकर काम करते हैं, तो फैमिली से दूर इतना दूर जाकर काम करते हैं, तो वो चीज़ गांव में नहीं है। तो मतलब हम लोगों का गांव का लड़के लोग का सबका सोच यही है कि 10वीं पास करे या 12th पास करे, सबसे पहले डिफेंस में जाए। ज़्यादातर गांव के लड़का मतलब डिफेंस में जाते हैं, या तो नहीं होता है तो जाते हैं बाहर कमाने। तो इस चीज़ का गांव में कुछ करना चाहिए कि लड़कों लोग का बाहर ना जाए, ना फैमिली से दूर होकर बाहर कमाए। धुबरी के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं ईंट के भट्टे में मजदूरी करती हैं और पुरुष दूसरे राज्यों में काम करते हैं। यानी इन लोगों की सबसे बड़ी परेशानी अपने शहर में रोजगार न मिलना है। बस्ती में जाओ, इधर भी जाओगे आपके बस्ती में घूमो, बस्ती में घूमने से देखेगा पूरा का लोग, प्रत्येक घर का आदमी बाहर रहता है। कोई गुवाहाटी रहता है, कोई गुजरात रहता है, कोई बिहार रहता है, कोई UP में रहता है, और ज्यादा से ज्यादा जो महिला आदमी है, घर फैमिली का पूरा फैमिली लेके गया है भाटा में। भाटा में ईटे बना रहा है अभी, इतना दिक्कत, इतना काम ही नहीं है। हम लोगों को चाहिए यहाँ पे संस्थान दो, काम में संस्थान दो। अब असम में भी चुनाव है। धुबरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। धुबरी में BJP के 2 विधायक हैं और AIUDF के 3 विधायक हैं। राजनीतिक समीकरण को देखें तो धुबरी को ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का गढ़ माना जाता है, और 2009 से पहले
इस विधानसभा क्षेत्र पर कांग्रेस का दबदबा था। धुबरी असम का ऐसा जिला है जहां 79.67% मुस्लिम आबादी है और 19.92% लोग हिंदू हैं। लेकिन आने वाले चुनाव के लिए अब यहां के लोगों की राजनीतिक मंशा क्या कहती है, जी न्यूज ने ये जानने की भी कोशिश की। अब जो वोट करने जाएंगे तो हम सोचेंगे दोबारा से मोदी जी को लाए, बीजेपी को लाए, क्योंकि बीजेपी आने के बाद जो हमारा जो बेरोजगार हट गया है, अभी सब काम सबको काम मिला है। वो पहले तो चोर हुआ था, वो बांग्लादेश से आके ले गया था। हाँ, वो कटातर काटता था, कटातर काट के ले गया था। अभी नहीं हुआ, अभी 7 साल लगा में नहीं हुआ। कैसे रुक गया वो? तो बीजेपी आने से रुक गया। क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी ने वो रुक दिया, घुसपैठी रोक दिया, वो जो चोर चारी नहीं होता है अभी। गांव के विकास की अगर हम बात करें, कितना विकास हुआ? विकास 100% विकास हुआ। क्या बदला? रास्ता घाट सब विकास हुआ, 100% बदलाव हुआ। मोदी सरकार आने से हम लोग का बहुत कुछ बहुत फायदा हुआ, बहुत, जो हम बता नहीं सकते आपको। हमारा पैसे भी मिल रहा है, सरकारी चूल्हा भी मिल गया, सिलेंडर भी मिल गया, घर भी मिल गया। हमारे बच्चे लोग का पढ़ाई भी हम लोग आराम से हो रहा है, एडमिशन सबका कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा। बस बहुत खुश है, बहुत खुश। धुबरी के युवा और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को इस बात की संतुष्टि है कि अब स्कूल में दाखिला लेने में कोई परेशानी नहीं हो रही। हमको फ्री में एडमिशन मिल रहा है काफी सारे बच्चों को, और राशन और गैस सिलेंडर वगैरह तो फ्री में मिल रहा है। बाकी सब कुछ तो ठीक चल रहा है, लेकिन मुझे ख्याल है अगर और 10 साल देंगे बीजेपी सरकार को और मोदी जी को, हमारे ख्याल से वर्ल्ड में हमारा देश काफी आगे जाएगा, नंबर वन भी हो सकता है। सिर्फ छात्री नहीं, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक भी शिक्षा में हो रहे छोटे छोटे बदलावों को बड़ी शुरुआत मान रहे हैं, लेकिन रोजगार को सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। अलग अलग पैमानों पर समझने की कोशिश करते हैं कैसे यहां परिवर्तन आया। चंदन जी, आप शिक्षक हैं तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में बताइए, पहले की स्थिति और अब की स्थिति क्या बदला? ठीक है सर, शिक्षा में पहले तो स्कूल था, स्कूल जो था वही है, लेकिन स्टाफ कम था, शिक्षक कम था। अभी शिक्षक फिलहाल फुल फिलअप हो गया, तो उससे शिक्षा में बहुत परिवर्तन आया। शिक्षा का स्तर सुधरा? सुधरा। अगर मैं बिजली की बात करूं, यहाँ के लोगों के लिए बिजली एक बड़ी समस्या थी, पहले क्या था और अब क्या है? बिजली पहले बड़ा घंटा था, अभी बिजली 18 घंटा 20 घंटा तक रहता है। बिजली में भी परिवर्तन आया, पहले 12 घंटे बिजली रहती थी, अब 18 से 20 घंटे तक बिजली रहती है। यहाँ के जो युवा हैं, उन्हें रोजगार की स्थिति की अगर मैं बात करूं, पहले क्या थी अब क्या है? रोजगार के बारे में यहाँ बहुत मुश्किल है, यहाँ जो है, यहाँ 5 साल पहले जैसा था अभी भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, रोजगार बड़ी समस्या है यहाँ का। नेता आते हैं, आप पूछते हैं उनसे क्या कर रहे हैं रोजगार के लिए आपके? ये तो जो इलेक्शन आता है तब बोलता है ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाद में कुछ नहीं है। बांग्लादेश बॉर्डर से असम में होने वाली अवैध घुसपैठ, मानव तस्करी, ड्रग स्मगलिंग और मवेशियों की तस्करी, 5 साल पहले तक असम के बांग्लादेश से सटे बॉर्डर इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये सबसे बड़े मुद्दे हुआ करते थे। इन्हीं मुद्दों के बल पर बीजेपी 2016 में असम में सत्ता में आई, तो 5 साल में क्या ये समस्याएं हल हो गई? और फेंसिंग के पीछे का इलाका जो आप देख रहे हैं, ये है बांग्लादेश का इलाका। आइए समझने की कोशिश करते हैं बांग्लादेश बॉर्डर से सटे 17 साल गांव के लोगों से कि इनके जीवन में पिछले 5 साल में कितना परिवर्तन आया और इनके मुद्दे अब क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित धुबरी जिले को घुसपैठ, नकली करेंसी और पशु तस्करी का ग्राउंड जीरो भी कहा जाता है। जो मवेशियों की तस्करी है या फिर अवैध घुसपैठ है, ये कैसे होती थी? पहले जब फेंस नहीं थी, एक ही बीओपी बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट थे 17 साल और एक थे सोनाहाट, ये दो ऑब्जर्वेशन पोस्ट से ही ये इलाका को कंट्रोल करते थे। 1984 में जब ये फेंस शुरू हुआ
उसके बाद यहाँ जो सिक्योरिटी है ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी बढ़ा दिया गया है और बॉर्डर में जो जीरो लाइन है जीरो लाइन से लेकर देशों को उसमें जो बर्बेट वायर लगा के बॉर्डर रोड इसको सेफ्टी कराने के लिए जो कर दिया ये पहले खुलासा थे। ये जानवर रात को हम घर में नहीं रख पाया क्योंकि बीओपी के पास हमने लेके सिक्योरिटी के समझ कोशिश करते थे। जब बर्बे ये यहाँ से लेके रात जानवर लेके वो बांग्लादेश प्रचार करती थी। बांग्लादेश की सीमा पर होने की वजह से धुबरी जिले की चुनौतियां भी अलग हैं। बॉर्डर के दूसरी तरफ से अवैध घुसपैठ राजनीतिक दलों के लिए एक चुनावी मुद्दा भी रहा है और घुसपैठ को रोकना सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी चुनौती भी। असम बांग्लादेश बॉर्डर पर असली चुनौती तब सामने आती है जब ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां असम से बांग्लादेश की ओर बहती हैं, यानी कि कुछ ऐसा हिस्सा। यह हिस्सा अभी काफी हद तक सूखा हुआ है, पानी कम है, लेकिन मई महीने से लेकर अक्टूबर के महीने तक यह पूरा हिस्सा पानी से लबालब रहता है और इसी वजह से यहां पर किसी तरह की फेंसिंग नहीं की जा सकती है और इसी का फायदा उठाते हैं बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ करने वाले लोग। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सेंसर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जब बीएसएफ के जवान इस हिस्से में पेट्रोलिंग ना कर रहे हो तब भी सेंसर्स के जरिए उन्हें यह पता लगता रहे कि कहीं कोई घुसपैठ तो नहीं हो रही। फिर भी यहां की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो घुसपैठ को आसान बना देती है और ये सबसे बड़ी समस्या इस वक्त है। धुबरी जिले की भौगोलिक स्थिति यहाँ के लोगों के लिए चुनौतियां भी खड़ी करती है और राजनीति के लिए मुद्दे भी। चुनाव में जनता हर बार कुछ नया चाहती है, पहले से कुछ ज्यादा चाहती है। 5 साल पहले गैर कानूनी घुसपैठ बड़ा मुद्दा था, वो काफी हद तक हल भी हुआ। तो अब असम के इस आखिरी गांव को दिल्ली मुंबई जैसी भले नहीं, कम से कम गुवाहाटी जैसी चमक दमक की तो दरकार है। विशाल कालरा, 17 साल गांव धुबरी, असम। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।